students, today is our chapter supply of microeconomics. So what is the definition? First we understand this. This is, it refers to the quantity of a commodity that the seller is willing to sell at a given price in a given period of time. कि जो कि आपका विक्रेता है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक गिवन पीरियड में कितना माल को निकालना चाहता है मार्केट में, उसे वो क्या कहलाती है? सप्लाई कहलाती है। डिमांड की तरह भी ये प्राइस से रिलेट करती है जैसे, लेकिन डिमांड में हमारा इनवर्स रिलेशन होता है, सप्लाई में हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे कि अब हम इस एक स्केड्यूल के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, जो सप्लायर है वो किसी भी कमोडिटी की उतनी सप्लाई को मार्केट में बेचने के लिए विलिंग रहेगा, मीन्स उसकी उतनी इच्छा करेगी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वो उतनी क्वांटिटी को निकालेगा। लाइक अगर वो फाइव गुड्स को या फाइव क्वांटिटी, कुछ भी फाइव केजी वो कुछ भी निकालता है, अगर 20 होता है तो 1 केजी के लिए रेडी है, इसमें वो 9 केजी के लिए, तो वी आर सीइंग दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। अब मान के चलिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि अगर कोई फर्म जो है, अगर उसने 1000 जैकेट्स बनाई है, लेकिन अगर समर सीजन है वो मार्केट में, उसे पता है समर सीजन में उसका रेट डाउन हो जाता है जो हमारी जैकेट्स होते हैं, तो वो उतना माल नहीं निकालता। अगर मार्केट चलते हैं वो 200 निकालता है, तो जो 200 है जिसको वो बेच रहा है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड हिज सप्लाई। ओके, तो अब हम इसी स्कैड्यूल को जब हम प्लॉट कर देते हैं डायग्राम में, तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज अ क्वांटिटी। जब प्राइस इतना था तब उसने इतना क्वांटिटी को निकाला, प्राइस बढ़ा उसने इतनी क्वांटिटी को निकाला, एंड दिस इज अवर सप्लाई कर्व, दैट इज अ पॉजिटिवली स्लोप, राइट। अब हम समझेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई की सप्लाई किस किस चीजों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, और उसको एंटरप्रेन्योर कितना निकालेगा, कितना सप्लाई बाहर मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, और कितना स्टॉक की तरह वो अपनी फर्म में रखना चाहता है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। कह रहे हैं सबसे पहले जो होगा, सबसे पहला डिटरमिनेंट जो है वो है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको कि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ता है, दैट इनकरेज द एंटरप्रेन्योर टू इंक्रीज द सप्लाई, ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज प्रॉफिटेबल फॉर हिम। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट वॉन्ट बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम, ही वुड प्रेफर टू कीप एज अ स्टॉक, राइट। प्राइस ऑफ अदर गुड, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो रिसोर्सेस हैं उनके अल्टरनेटिव्स होते हैं, कि आप कई रिसोर्सेस को कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है। अब आप देखिए कि कोई फर्म है वो पैप्सी का भी, पैप्सी और कोक दोनों का वो प्रोडक्शन होता है वहां पर। अगर उसको लगता है कि कोक का रेट इंक्रीज हो रहा है, अगर मान के चलिए कि कोक का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो पैप्सी के जितने भी जो भी पैप्सी में उसके लेबर, रॉ मटेरियल, जो भी उसका लग रहे हैं, प्रोडक्शन में यूनिट्स लग रहे हैं, वो उधर शिफ्ट कर देगा, बिकॉज ही नोज, क्या वो जानता है अच्छे से कि कोक इज मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू पैप्सी। तो अगर आपका रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन सच अ केस जो मेन गुड है उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, मेन गुड सप्लाई विल बी डिक्रीज्ड, राइट, एंड वाइस वर्सा।
ओके अब हम प्राइस ऑफ इनपुट की बात कर रहे हैं. हम जैसे जानते हैं कि एवरी एंटरप्रेन्योर एंड ऑल दैट दे आर दैट मच दैट देयर मोजो इज ओनली मेकिंग प्रॉफिट. दे आर वेरी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द सोशल वेलफेयर एंड ऑल. सो दे कंसिडर कि हाउ मच प्रॉफिट दे आर अर्निंग एंड एंड शुड दे कंटिन्यू देयर बिजनेस एंड ऑल दैट. ऑल दिस पॉइंट्स दे हैव टू कीप इन देयर माइंड. अगर प्राइस ऑफ इनपुट यानी रॉ मटेरियल लेबर अगर वो इंक्रीज करता है इफ द कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस अगर वो इंक्रीज करता है इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कॉस्ट. कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. कॉस्ट तो इंक्रीज करेगा क्योंकि जब जितना इनपुट लग रहा है अगर उनके प्राइसेस ज्यादा है तो कॉस्ट इंक्रीज करेगा. अगर कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज कर देता है. इट लीड्स टू डिक्रीज प्रॉफिट मार्जिन. इट डिक्रीज प्रॉफिट मार्जिन और जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कम कर देगा. And again, it leads to decrease in supply and vice versa. Our fourth determinant is technological changes. Technological changes, that there are the two kinds of technology. You can say that is the advanced technology and the obsolete. Agar advanced technology. Advanced technology is used then in the sense that it reduces the cost. If the entrepreneur they use the advanced technology then it reduces cost. If it reduces cost then it increases profit margin. And if the entrepreneur they get the good profit, obviously as a result they increase the supply. On the other hand, if they use obsolete technology, obsolete means बहुत ही पुरानी किस्म की मशीनें, तो they consume more electricity and more labor, so it leads to increase the cost. If it leads to increase the cost, then obviously the profit margin is not that much that they can earn in the using the advanced technology, and as a result, they decrease the supply. Right? Now, this is our fifth determinant. It's a government policy. Government policy that sometimes हम जानते हैं कभी कभी government taxes देती है, कभी taxes लेती है और subsidies देती है. अब हम ये देखते हैं अगर गवर्नमेंट हाई टैक्स इम्पोज करती है किसको देना पड़ेगा? प्रोड्यूसर्स को ही. एंड इफ देयर इज अ हाई टैक्सेस अगेन इंक्रीजेस कॉस्ट डिक्रीजेस प्रॉफिट मार्जिन एंड डिक्रीजेस सप्लाई वाइस वर्सा. एंड इफ गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडीज yes that is good thing. With government subsidies, if the subsidies means aapko free electricity free water, so in such a case if the subsidies government deti hai to it decreases cost increases profit margin and increases supply. Hamara sixth determinant hai ki government supply ka this is objective of the firm. क्या है हमारा फॉर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर उसका सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो उसका वही कोशिश रहती है टू कैप्चर मार्केट एज मेनी एज. सो दिस इज द सेल्स मैक्सिमाइजेशन. देन द फॉर्म्स व्हाट डू दे डू दैट दे कैप्चर द मार्केट्स मोर एंड मोर. राइट. अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड
keeping other factors remain constant. Keeping other factor remain constant, yes, we know that they are the number of the factors that affect our supply, like price, the price and the price of other good, factor of the product, factor of the production, state of the technology, taxation and the goal of the farm. But the laws is saying that these factors remain constant. That means that there is no change in the taxation policy, in the goal of the farm, or the factor, or the input, the cost of the input, and technology, and everything remain constant. And there is a direct relation between the price and quantity supplied. Okay, this is the direct relation between price and quantity supplied. Okay. Now, we will see the reason of the law of supply. Why it goes upward? That the first reason is a profit motive. You know that every entrepreneur, that his motto is to earn as much as profit that they can. So, jab unko lagta hai ki yes, if the price increases, the increases the supply, then the supply goes upward. Okay, change in the number of firms. Jab koi bhi production ke liye, kisi ke liye bhi, agar wo profit dusri firms ko nikal nazar aata hai, to dusri firms aur enter karti hai. जब दूसरी नई फॉर्म्स एंटर करती है उसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज करती है और सप्लाई में इंक्रीमेंट दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड चेंज इन द स्टॉक व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फॉर्म क्या करती है जो उन्होंने अपना स्टॉक भी रखा हुआ होता है वो भी मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है राइट अब हम वहां पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई कि कहां पर सप्लाई का लॉ नहीं लगेगा सप्लाई का लॉ आपको मालूम है कि प्राइस बढ़ता है तभी जो एंटरप्रेन्योर है वो उसकी सप्लाई को बाहर निकालता है गुड्स को बेचने के लिए तैयार रहता है लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि वो उसे लगता है कि तब वो प्राइसेस को कंसीडर नहीं करता है इवन एट द लो प्राइस ही इज रेडी टू सेल अब हम देखते हैं क्या क्या गुड्स है अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो फॉल होने वाला है अगर फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है उसको लगता है कि प्राइस जो है वो डाउन होने वाला है इस केस में वो क्या करेगा कि अभी भी अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा उसी कॉस्ट पर जो अभी प्रेजेंट की है उसको निकाल देगा यानी ही इज रेडी टू सेल मोर क्वांटिटी एट द लो प्राइस राइट एग्रीकल्चरल गुड्स हम उसके लिए वेट नहीं करते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तभी मार्केट को हम देंगे ऐसा नहीं होता क्योंकि एग्रीकल्चर यू नो दैट कि वो तो अपनी कमोडिटी तो जानी ही है उसका रेट से कोई लिंक नहीं है क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गुड्स राइट पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं टमाटो है ऐसे केस में भी वो प्राइस को नहीं वेट करेगा कि प्राइस ऊपर होगा क्योंकि उसको पता है कि वो भी नहीं मिलेगा उसे तो वो प्राइस के लिए वेट नहीं करेगा रेयर आर्टिकल जैसे कि हम मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें तो अगर इनका रेट इतना हाई है तब भी हम इनकी सप्लाई को नहीं ज्यादा बना सकते हैं तो रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है बैकवर्ड कंट्रीज जहाँ पे रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है अगर वहाँ रेट हाई भी है तभी उतना सप्लाई को नहीं बनाया जा सकता है ओके वी लर्न अबाउट चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई Now, आपको याद होगा कि changing our determinants, what they are, you know, that the price of other good and taxation policy, technology, goal of firms. So, what do we have to do? We have to keep price only here. हमें price को सिर्फ यहाँ रखना है and other determinants we have to keep it here. Right? What are they? They are the PO, price of other good, factor, that the cost of factor, price of factors, and the state of technology, and taxation policy, and the goal of the firm. Now, listen to me, as we did in the demand chapter also. If this is a main in the sense that there is no change, and this is a base. Okay.
if price increases, you know, when the price increases, supply increases. So this is a Q1. So when supply increases due to increase in prices is called expansion. What we say? This is an expansion in supply. Okay. And when price decreases, you all know very well that the quantity also decreases, and this is called contraction. And in the full line, this is called movement along with the supply curve. Right? So, अगर price की वजह से supply में कोई भी change आता है, तो हम उसे change in quantity supplied कहते हैं. अगर price, अगर हम देखें, फिर हम देख समझेंगे कि price अगर down हुआ है और supply भी down हुई है, इसे हम contraction in supply कहते हैं कि supply कम हो गई. और अगर price बढ़ता है, उस वजह से supply भी बढ़ती है, उसे हम expansion in supply कहते हैं. अब चेंज इन क्वांटिटी में क्या करना है, चेंज इन सप्लाई में क्या करना है, कि अगर अगर आपका देयर इज नो चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन प्राइस एंड दिस इज अवर सप्लाई कर्व, राइट, दिस इज पी, दिस इज क्यू. आप किसी और वजह से, कैसे वजह देख लेते हैं हम, कि अगर टेक्नोलॉजी उसमें एडवांसमेंट आ जाती है, तो आप जानते हैं अगर टेक्नोलॉजी अच्छा है, कॉस्ट रिडक्शन होगा, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज अगर होता है, तो सप्लाई इंक्रीज होते हैं. तो किसी और फैक्टर्स की वजह से अगर सप्लाई में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई. ओके, अगर इंक्रीमेंट हुआ है, दिस इज कॉल्ड S1, दिस इज अ इंक्रीज इन सप्लाई. और किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए हैं, और अगर गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए हैं, फैक्टर जो है, फैक्टर का कॉस्ट इनपुट का बढ़ गया है, तो दिस इज कॉल्ड S2 एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई, राइट. सो अब हमें ये समझना है कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं. हम लिखते हैं यहां पर रीजन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई. यहां पे हम लिखेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, रीजन है हमारे. चलिए अब हम देखेंगे कि आपको खुद समझना होगा कि कब कब सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेगी. आपको पता है सप्लाई कब इंक्रीज करेगी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. एडवांस टेक्नोलॉजी उधर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी. राइट, इसके बाद इसमें क्या होगा कि आपने अगर सप्लाई बढ़ानी है, तो डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट. अगर इसका डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट है, तो इसका क्या होगा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, डिक्रीज इन टैक्सेस, और इसके लिए हम ले लेते हैं इंक्रीज इन टैक्सेस. ठीक है, इसमें हम सब्सिडीज दे देते हैं, सब्सिडीज भी डाल सकते हैं हम. ठीक है, तो ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई इसकी वजह से कम होगी. एंड दिस इज कॉल्ड ऑल्सो द चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड रीजन, एंड द इंक्रीज इन सप्लाई, कंट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई. तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि दिस हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ
price, and this happened because of the other factor, right? And yes, any problem if you have, then you can write in the comment box. I'll definitely solve your queries. And that's it. And yeah, enjoy subject with my videos.